हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली फॉर द टीसनेट, और कंप्लीट पीडीएफ को भी एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़। कंप्लीट पीडीएफ जिसमें जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक सजेशन सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको, प्लस मेरे यूट्यूब वीडियो, ये दोनों देखना है आपको टीसनेट के लिए। और पीडीएफ लेने के लिए आपको इस ईमेल आईडी यानी कि studysideeffect@gmail.com में मेल कर देना है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कल वीडियो को अपलोड किया था स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज, आज आया है वीडियो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज। और इसका एक प्रोग्राम के लिए आप जानते हो सबसे ज़्यादा टिसनेट में अप्लाई किया जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ, तो आज मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, ताकि आपको सारा ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूं। और ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा देखना क्योंकि हमेशा अपडेट होता रहता, चाहिए वीडियो 2022, 2021 या देखा जाएगा, तो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट भी देखना ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अपडेट कुछ हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं तो ये बता दूं एक बार। एम ए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप। लेकिन ये प्रोग्राम मुंबई कैंपस के अलावा देख लो आल्सो ऑफर्ड फ्रॉम हैदराबाद कैंपस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद कैंपस में भी होता है। बाकी सब सारे प्रोग्राम ओनली मुंबई कैंपस में होते हैं, आपको कोई अदर कैंपस में नहीं दिखेंगे ये सब प्रोग्राम, यानी कि गुवाहाटी बोलो, हैदराबाद, तुलजापुर, ये सब प्रोग्राम में नहीं होता है। केवल इस प्रोग्राम को छोड़ा गया केवल हैदराबाद में होता है ये, और मुंबई में भी होता है। नेक्स्ट, मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये चारों के वीडियो बनाएंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँ तो ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एडुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले होना चाहिए, और ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है ये ओनली फॉर द वन प्रोग्राम यानी कि इस प्रोग्राम के लिए है। तो क्या है, वीडियो को एंड तक देखना। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बात आपको हर प्रोग्राम में लिखा रहे मिल जाएगा, हेल्थ सिस्टम स्टडीज को छोड़ के या कुछ स्पेसिफिक कोर्सेस है उसको छोड़ के। तो ये प्रोग्राम में ये है कि कैंडिडेट सक्सेसफुल कंप्लीटेड बैचलर मास्टर डिग्री, ठीक है, 3 or 4 year ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट अंडर द 10+2+10+2+4 10+2+2+1 year ब्रिज कोर्स पैटर्न स्टडी और एनी अदर पैटर्न मिनिमम फुलफिलिंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 15 year फॉर्मल एडुकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC ऑफ इंडिया। यही है इनका एलिजिबिलिटी। अब इसमें ना लिखा हुआ है कि 60% ग्रेजुएशन में चाहिए या 50% चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा, बस ये लिखा गया है कि हाँ बैचलर डिग्री चाहिए, बस यही बताया गया। और 10+2+3 हो या 10+2+4 हो या 10+2+2+1 हो या 15 year का फॉर्मल एडुकेशन हो। लेकिन ये पॉइंट किसके लिए, तो ये आप बोलते हो ना कि HRM के लिए, तो HRM के लिए ये बस इतना सा ही एलिजिबिलिटी है, बस ये आपको हो जाना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपने इंटरव्यू और टिसनेट को क्रैक किया। लेकिन ये पॉइंट किसके लिए, ये कैंडिडेट मस्ट हैव 2 year एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये 2 year का वर्क एक्सपीरियंस कौन से प्रोग्राम के लिए चाहिए, केवल इसी प्रोग्राम के लिए चाहिए। ये कौन सा प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप, केवल इसी प्रोग्राम के लिए। इस मिनिमम एलिजिबिलिटी के बाद कैंडिडेट मस्ट हैव 2 year ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन एनी फील्ड, बाकी किसी प्रोग्राम के लिए नहीं चाहिए। चाहे आप HRM के लिए अप्लाई करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स है, उसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के लिए भी नहीं है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस इसी प्रोग्राम के लिए।
और एक बात बताता हूँ, जैसे कि आपने पूछते हो सर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, हाँ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर आपका थ्री ईयर डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि बैचलर डिग्री थ्री ईयर डिग्री का प्रोग्राम है या फोर ईयर डिग्री का प्रोग्राम है जो इंजीनियरिंग का होता है, तो इसमें एक बात याद रखना, सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर कैंडिडेट और कैंडिडेट फोर ईयर डिग्री शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट फॉर 1 to 6 सेमेस्टर। यानी कि अगर आप थ्री ईयर का डिग्री कर रहे हो, यानी कि कोई बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई करना। ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं किए हो, थर्ड ईयर चले जाते हो, एडमिशन में तो मिल जाता है, लेकिन बाद में जब आपको पेपर देना पड़ता है तो आप उस में एलिजिबल नहीं हो। और आपका अगर फोर ईयर डिग्री हो तो आपको फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर तक आपको सभी सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग कैंडिडेट स्टडीइंग थ्री ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर एंड कैंडिडेट स्टडीइंग फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में तो एलिजिबल है, लेकिन प्रीवियस ईयर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, चाहे वो आपका फोर ईयर डिग्री का प्रोग्राम हो या थ्री ईयर डिग्री का प्रोग्राम हो, सारे ही सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए 1 to 4 सेमेस्टर फॉर द थ्री ईयर डिग्री एंड 1 to 6 सेमेस्टर फॉर द फोर ईयर डिग्री के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट कट ऑफ तो क्लियर कर लिया था, लेकिन ये बात वो पढ़ा ही नहीं था कि ये भी बात है, और बाद में एलिजिबल नहीं हुआ, तो ये जरूरी है। बाकी सारे प्रोग्राम में आप ये देखोगे, ये मिनिमम वाला, ये मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो सारे प्रोग्राम में ये बातें आपको जरूर लिखी मिल जाएगी, बस इतना चाहिए। अब यहाँ पे 60% के लिए कुछ बात नहीं कहा गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योर, सारे का यही एलिजिबिलिटी है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए कि हाँ कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसके लिए एक्सपीरियंस था, मैं बता दिया, ओनली फॉर द वन प्रोग्राम के लिए, और इसी तरह और भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।